अस्सलामुअलैकुम स्टैंड ऑफ क्लास 9 एंड 10। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर ऑफियस से होंगे। बेटा, लास्ट टाइम हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे जो कि काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम जो न्यू टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं वो है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब टेंशन कैसे किसी स्ट्रिंग के अंदर जनरेट होगी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। टेंशन होगी क्या, इसको भी हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। आप फिगर 4.8 में ज़रा देखें, ज़रा एक रस्सी जो या फिर एक स्ट्रिंग जो इन्होंने पकड़ा हुआ है, साथ में देखें वेट जो है वो अटैच है उससे। ठीक, वेट जो है बेटा वो आप देखें नीचे एरो डाउनवर्ड दिया हुआ है, विच मीन्स वेट तो हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा, लेकिन एक ऐसी कुवत होती है जो कि वेट की फोर्स के अपोजिट होती है। सही है, जो कि मास के अपोजिट होगी। अगर कोई भी वेट या मास नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसे ऊपर लेके जाएगी, या कभी कभी उसको बैलेंसिंग भी कर देती है, तो वो होती है टेंशन। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो कुवत जा रही है, विच मीन्स ये टेंशन है। अब देखिए टेंशन क्या है, एक फोर्स है एग्जर्ट बाय अ स्ट्रिंग। आप किसी स्ट्रिंग के जरिए लगा रहे हो ना बॉडी टू विच इट इज अटैच्ड, आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं किसी स्ट्रिंग के जरिए जिससे वो अटैच्ड है। व्हेन वी फ्लाई अ काइट, अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, वी फील सम फोर्स एंटर ऑन आवर फिंगर्स, तो आप नोट करेंगे आपकी उंगलियों पे कुछ आपको फोर्स महसूस होगी। इफ वी स्ट्रेच अ स्ट्रिंग टाइटली, द हैंड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर। अगर आप स्ट्रेच खींच रहे हैं किसी स्ट्रिंग को, तो आप देखेंगे आपके हाथ पे, मतलब आप किसी फोर्स को महसूस करेंगे जो कि आपके पास क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन की तरफ जो है वो आपको मूव करवाएगा, और आपके फोर्स, आपका जो हाथ है उस फोर्स को महसूस करेगा। सिमिलरली आप इसी तरीके से, इफ अ पर्सन, एक शख्स है इज होल्डिंग अ ब्लॉक, उसने एक ब्लॉक जो है उसे होल्ड किया हुआ है ऑफ वेट डब्ल्यू, विच मीन्स वेट है ब्लॉक है तो उसका वेट डब्ल्यू है, बाई मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग, और उसको स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है। द वेट ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक का वेट है, पुल्स इट डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक, व्हाइल द स्ट्रिंग पुल्स अपवर्ड, जो स्ट्रिंग है वो उसको ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, विद एन इक्वल फोर्स, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगी। अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं, विच मीन्स डाउनवर्ड वाली फोर्स और अपवर्ड वाली फोर्स जो है टेंशन है, अगर दोनों बराबर हो जाती हैं, तो ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वेट होगा, वो आपके पास क्या होगा, वो सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड क्या होगा, वो आपके पास रेस्ट की सुकून में आ जाएगा, उसके अंदर कोई जनरेशन, मतलब इसमें कोई टेंशन जनरेट नहीं होगी, क्योंकि वेट जब आपके पास डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा और टेंशन जब आपके पास अपवर्ड मूव नहीं करेगी और दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगी, तो वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, जो ब्लॉक है, वो सस्पेंड होगा, लेकिन वो इन अ रेस्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास, व्हाइल द स्ट्रिंग पुल्स इट अपवर्ड विद एन इक्वल फोर्स, द फोर्स एंटर्ड ऑन आवर फिंगर्स, जो फोर्स आपके हाथ पे लगी थी फिंगर्स पे, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हैंड्स एंड द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो तीन चीजें देखें, जब आपने पतंग उड़ाई तो आपके फिंगर्स पे एक फोर्स लगी, ठीक है, आपको उसका एहसास हुआ। सेकेंड, जब आपने किसी चीज को सस्पेंड किया स्ट्रिंग के थ्रू, तो आपके हाथ ने किसी फोर्स को एक्सपीरियंस किया, एंड द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। और जब आपने क्या किया, जब कोई ब्लॉक आपके पास डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव कर रहे थे, तो जब आपने एक फोर्स को वहाँ पे महसूस किया। ठीक है, इन द स्ट्रिंग, इन ईच केस, ये तीन केसेस आपने भी देखे, दिस इज कॉल्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इन तीनों का, विच मीन्स ये जो फोर्सेस थी, मतलब ये जो फोर्स है जो आप महसूस कर रहे हो, ये फोर्स क्या है, ये आपके पास जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है। ठीक है जी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। आगे देखिएगा, फिगर 4.8 आपके सामने मौजूद है बेटा। The hand experiences, आपके हाथ ने जो experience किया था, upward in the downward direction at the point B. Point B ऊपर आप देख सकते हैं, आपके हाथ ने किसी force को जो है वो महसूस किया. Hence the tension at the point, the tension at the point is downward. ठीक है, however at the point A, the string must exert a force upward to the balance the weight of the body. तो similarly देखिए, उस figure को ये define कर रहे हैं आपके सामने, क्या बता रहे हैं कि आपने देखिए, अगर वेट उसको नीचे लेके आया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपका हाथ जो है वो उसको, विच मीन्स आप उसको हाथ में पकड़े हुए थे उस रस्सी को, स्ट्रिंग को, जिससे वो मास अटैच है, तो आप देखिए एक और फोर्स थी जो स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रही थी, वो थी टेंशन की फोर्स, जो कि क्या कर रही थी, जो कि अपवर्ड की तरफ लग रही थी, क्योंकि आपका हाथ जो है वो एक एक्सपीरियंस फोर्स को, क्या एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स ऑफ आपके पास वो टेंशन है जो कि किसी स्ट्रिंग में आपको मिल रही है। अच्छा स्टूडेंट, जरा देखिएगा गौर से, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, मतलब टेंशन इन अ स्ट्रिंग के दो टॉप, मतलब आप समझ लो दो केसेस हैं ये, इनको हम आज स्टडी करेंगे, केस नंबर वन को, और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। तो देखिएगा, मोशन ऑफ अ बॉडी कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली।
ठीक है, आप पुली क्या होते हैं, सिमिलरली आप देखते हैं एक आपके पास व्हील है, ठीक है, सेकंड वो आपके पास अटैच है, और यहाँ सस्पेंडिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने वायर या फिर कोई रस्सी या स्ट्रिंग कोई जो है वो यूज किया हुआ है। यहाँ देखिएगा आपके सामने एक मास ए है जो कि ज्यादा है वेट में, और मास बी है जिसको एम टू का नाम दे रहे हैं जो कि वेट में कम है। अब इस केस में कहते हैं व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, केस नंबर वन मूव करेंगे, जनरली वी कम अक्रॉस द टू केसेस, यहाँ पे दो केसेस हैं, ठीक है। व्हेन वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, अब ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनका ताल्लुक स्ट्रिंग से मौजूद है, पासिंग ओवर अ पुली और एक पुली पे से ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताया, देखिए अगर व्हील है साथ में ग्रूव्ड हुआ हुआ है, रोटेटिव है, तो ये पुली का सिनेरियो है, ठीक। दो वेट्स हैं और इन्होंने क्या किया हुआ है, उसको सस्पेंड किया हुआ दोनों को, ठीक। केस नंबर वन बोलता है व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, दोनों जो बॉडीज हैं वो वर्टिकली मूव कर रही हैं। अब कैसे कैसे मूव कर रही हैं जरा देखते हैं। कंसीडर करें आपके पास टू बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है एंड देन सेकंड बॉडी बी है, हैविंग अनइक्वल मासेस, देख लें अनइक्वल मासेस हैं उनके, विच मीन्स जो ए बॉडी है विच मीन्स ग्रेटर है और जो बॉडी बी है वो लेसर है, ठीक। एम वन और एम टू इनको नाम दिया है, कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से जोड़ दिया है, विच इज पासिस ओवर अ फ्रिक्शन लेस पुली। फ्रिक्शन लेस पुली का मतलब यह है कि वहां पे कोई रगड़ की कुवत, इस पुली के ऊपर कोई रगड़ नहीं है, ये स्मूथली मूव कर रहे होंगे दोनों। इन सच अ वे दैट टू बॉडीज हैंग वर्टिकली एज शोन इन फिगर 4.9, आप फिगर 4.9 में देख सकते हैं कि दोनों वर्टिकली हैंग है, ठीक, लटकी हुई है। सपोज करें एम वन जो है वो ग्रेटर है देन एम टू से, ठीक है, जबकि आपके पास बॉडी ए विल मूव डाउन, बॉडी ए मूव करेगी नीचे की तरफ विद एक्सेलरेशन ए के साथ, वाइल बॉडी बी, जो बॉडी बी होगी वो मूव करेगी अपवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन उसी रफ्तार के साथ, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। जिस रफ्तार से बॉडी ए नीचे की तरफ जाएगी उसी रफ्तार से बॉडी बी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेट टी जो है यहाँ पे एक टेंशन है, विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि आपके पास जनरेट होगी बॉडी ए के डाउनवर्ड जाने से और बॉडी बी के अपवर्ड जाने से। टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्सेलरेशन को ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन को मालूम करना चाहते हैं कि स्ट्रिंग में कितनी जनरेट हुई है, लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अ बॉडी ए। तो हम आइए सपोज करते हैं सबसे पहले बॉडी ए की मोशन को, बॉडी ए की हरकत को। टू फोर्सेज, दो फोर्सेज एक्ट हो रही हैं बॉडी ए के ऊपर, एक कौन सी फोर्स है जो कि वेट ऑफ द बॉडी है, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव कर रही है, और दूसरी फोर्स जो है वो टेंशन है, ठीक है, जो कि आपके पास स्ट्रिंग में मौजूद है और उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ अप्लाई होगी। टेंशन हमेशा अपोजिट होती है, अगर वेट डाउनवर्ड जाएगा तो टेंशन आपके पास जो है वो अपवर्ड मूव करेगी। तो आप देख सकते हैं अगर फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं वेट ऑफ द बॉडी, तो W बराबर होता है mg के, अगर हम बात कर रहे हैं मास वन की, वेट वन की, तो क्या होगा m1g, और टेंशन को तो आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सिंस बॉडी ए जो है वो मूविंग डाउन, बॉडी ए नीचे की तरफ मूव कर रही थी, W1 जो है वो ग्रेटर है, मतलब इसमें वेट ज्यादा है, टेंशन रोक नहीं पा रही है, वेट मुसलसल नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस वजह से क्या लिखा है इन्होंने, वेट जो है वो ग्रेटर है टेंशन से। द नेट फोर्स, जो टोटल फोर्स है जो एक्ट हो रही है डाउनवर्ड बॉडी ए के ऊपर, तो क्या होगा, तो याद रखें फोर्स 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 ही मूव कर रही है ना इन सेंस ऑफ टेंशन, तो F1 इक्वल टू W1 माइनस टी, मतलब वेट ज़्यादा है टेंशन कम है, तो हमने टेंशन को माइनस करवा दिया। बॉडी ए की बात कर रहे हैं, मास वन की बात कर रहे हैं, M1 की, तो F1 यूज़ कर रहे हैं, W बराबर होता है किसके, M1g के। अब याद रखिएगा बॉडी ए को जो भी चीज़ एक्सेलरेट करवा रही है वो कौन करवा रही है, एक्सेलरेशन। फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम ए, सही है, लेकिन यहाँ सॉरी W जो है वो बराबर था हमारे पास एम जी के, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एम वन जी लिख दिया, माइनस टी पहले वैल्यू निकाल चुके थे। सिंस अगर आप देखें बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए के साथ, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर्स में न्यूटन का आपको मैंने सेकंड लॉ समझाया था, एफ इक्वल टू एम ए। अगर हम इसको बॉडी ए के लिए, मतलब मास ए के लिए, एम वन के लिए अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या होगी, एम वन है। अब ये दो इक्वेशन जरा गौर से देखिएगा, ये वाली और ये वाली, एफ वन वाली दोनों इक्वेशन को देखें और आप कंपेयर कर लें, तो ये दोनों तो साइड्स इक्वल हैं, तो क्या होगा, एम वन ए इक्वल टू एम वन जी माइनस टी, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 4.6 का है, जो भी आपको नाम देना है। अब आइए मूव करते हैं बॉडी बी की तरफ। अब बॉडी बी में कौन कौन सी चीज़ें आपके पास सामने अप्लाई हो रही है, ज़रा देख लें, दो चीज़ें एक्ट हो रही हैं, एक तो वेट है बॉडी
वेट W2 जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, जबकि टेंशन जो है वो उसे वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाएगा। देखिए वेट कोई भी हो, वो अगर ए का हो या बी का हो, मास में डिफ्रेंशिएट हो, एक चीज 5 किलो की या 10 किलो की हो, याद रखिएगा 10 kg 5 kg, लेकिन जो वेट होता है वो आपके पास डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में ए ऑलरेडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो बी अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड कौन लेके जा रहा है, वो जो अच्छा दोनों एक ही जो है स्ट्रिंग से बने हुए हैं, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट हो रही है वो बॉडी बी को ऊपर लेके जा रही है। तो इसका मतलब आपके पास बॉडी बी में जो सबसे ज्यादा आपके पास एक्टिव है वो कौन है, टेंशन है, तो विच मीन्स टेंशन ग्रेटर है और आपके पास जो वेट है वो आपके पास लेस है, ठीक। तो आप जरा देखिएगा आगे, तो सिंस आप यहाँ देख सकते हो F2 नेट फोर्स क्या हुआ, फिर जो आपके पास फोर्स 2 थी उसमें टी ग्रेटर है और मास जो था वो आपके पास कम था, ठीक। तो हमने M2 जो ऐसे रखा, टी मौजूद है, अब लाइन न्यूटन का सेकंड लॉ F2 इक्वल टू M2 है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जैसे ऊपर कंपेयर किया था M2 है बराबर होगा टी माइनस M2g के, और फिर अब इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, साइड वाइज ऐड करते हैं, फिर मैं आपको देखें यहाँ पे आपके लिए एक्सेलरेशन की जो एक डेरिवेशन है वो आपको मुकम्मल मिल चुकी है, ठीक। इस तरीके से यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपको टेंशन की जो डेरिवेशन है वो आपको यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक। अभी देखिएगा ये दोनों डेरिवेशन मैं आपको जो कॉपी पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप किस तरीके से करेंगे, तो अभी आगे लेक्चर में कंटिन्यू देखिए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम देखें टेंशन इन स्ट्रिंग के टॉपिक हम जो कंटिन्यू था हमारा फॉर बॉडी ए के लिए, देखें F1 क्या था, वहाँ पे वेट ज़्यादा था क्योंकि वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा था, टेंशन कम थी, ठीक, माइनस टी किया, वेट बराबर होता है M1g के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, ठीक है, F1 इक्वल टू M1g माइनस टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू M है, अगर हम मास 1 के लिए काम करें तो F1 इज इक्वल टू M1 है, ऑन कंपेयरिंग पे F1 इक्वल टू F1, तो देखें एक F1 जो था वो M1a इक्वल टू आपके पास सेकंड जो था वो M1g माइनस टी, ठीक। इस तरीके से जो है आपके पास ये बॉडी ए की, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर ए का। अब जरा सेकंड देख लीजिएगा, अब यहाँ पे क्या था बॉडी बी के अंदर, इसको मैं नाम दूंगा F2 का, इसमें टेंशन ज़्यादा थी जबकि वेट जो था इसमें, क्योंकि ऊपर वेट जो है वो ऊपर जा रहा है और टेंशन जो है ग्रेटर है वो उसको ऊपर लेके जा रही थी, तो देखें मैं सिंपल F2 का मैंने ऐसे मेंशन किया, टी को यहाँ रख रहा हूँ मैं, अब वेट क्या होगा आपके पास सिमिलरली M2g, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का, सही है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ के मुताबिक, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक आपके पास F2, अब F इज इक्वल टू M होता तो यहाँ मैं F2 इज इक्वल टू M लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब आप क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग आप कंपेयर कर लें, ठीक है, तो F2 इक्वल टू F2, ठीक, तो देखिएगा F2 बराबर F2 कितना होगा आपके पास, F2 आप देखें तो ये M2a इक्वल टू कितना होगा आपके पास T माइनस M2g के, सही है, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन B का। अब करेंगे क्या, अब एडिंग हमें चाहिए एक्सीलरेशन के, तो मैं ऐड करूंगा A और B को, एडिंग इक्वेशन A एंड B, तो क्या इक्वेशन ए साइड वाइज करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ऐड करा M2a इक्वल टू M1g माइनस टी, ठीक है, फिर ऐड करें टी माइनस M2g, अब देखें प्लस का टी और माइनस का टी कैंसिल हो गया, यहाँ से आप ए कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास M1 प्लस M2, ठीक है, इक्वल, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या बचा M1g माइनस M2g, ए को ऐसे रखें आप M1 प्लस M2 इक्वल टू, यहाँ देखिएगा आप करोगे क्या, यहाँ से जी कॉमन ले लेना M1 माइनस M2 और ब्रैकेट में जी। अब जरा गौर से देखिए, हमें मालूम करना है एक्सीलरेशन जो कि टेंशन में जो स्ट्रिंग में जनरेट हो रही थी, अब ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, ए को यहाँ छोड़ें, देखें M1 माइनस M2g और डिवाइड पर आपके पास M1 प्लस M2, ये देखें ये जो है हमारे पास ये एक्सीलरेशन की जो है वो डेरिवेशन आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स।